सीधे लेकर चलते हैं आपको कर्नाटक, जहां पर आज ही कांग्रेस के नेताओं ने खूब जमकर पटाखे फोड़े। उपचुनाव के रिजल्ट का दिन था, कांग्रेस जेडीएस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, फैसला पूरी तरह से उनके पक्ष में था। तो जहां कांग्रेस और जेडीएस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने एक साथ मिलकर पटाखे फोड़े, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में रही मायूसी। कांग्रेस और जेडीएस के कार्यकर्ता जश्न में इसलिए डूबे हैं क्योंकि साझा सरकार बनने के बाद पहली बड़ी परीक्षा में बीजेपी को शिकस्त दी है। येदुरप्पा की सीट शिमोगा से बीजेपी जीती, श्री रामालू की सीट बेलारी बीजेपी हारी, मंडिया सीट पर जेडीएस का कब्जा बरकरार है, विधानसभा की दोनों सीट गठबंधन के पास है, यानी राज्य में जीत का स्कोर 4-1 का रहा। इस रिजल्ट की बड़ी खबर यह है कि बेलारी की सीट बीजेपी से जेडीएस कांग्रेस गठबंधन ने छीन ली। यहां कांग्रेस उम्मीदवार को 6,28,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3,85,000 वोट, यानी जीत का अंतर 2,43,000 वोटों का रहा, जबकि 2014 में बीजेपी 85,000 वोटों से जीती थी। बीजेपी उस सीट पर इतने बड़े अंतर से हारी है जिस पर लगातार 2004 से जीत रही थी। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी कह रही है कि उपचुनाव में मोदी के नाम पर हमने वोट नहीं मांगा, इसलिए 2019 में मांगेंगे और जीत जाएंगे। वी आर नॉट आस्क एनी वोट ऑन मोदी नेम, जनरल इलेक्शन मोदी नेम विल कम, 100% वी विल विन। जबकि कांग्रेस इस जीत से फूले नहीं समा रही। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राज्य की जनता ने जेडीएस यानी देवेगौड़ा की पार्टी से गठबंधन को कबूल किया है। ये गठबंधन को लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा जो बीजेपी का एक उनका कहना था, वो आज वो झूठा साबित हुआ। गठबंधन ठीक ढंग से चला भी सकते हैं और लोगों का विश्वास भी इसमें है, ये बताया, और ये गठबंधन की एक जीत है। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी थी। माना ये जा रहा था कि दोनों दलों में एकता नहीं है, लेकिन इस जीत ने उस सवाल पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि बीजेपी को जीत के लिए नई रणनीति बनानी होगी। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यह है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।